तो चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, जिसे हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, बिकॉज दिस स्ट्रक्चर इज अडॉप्टेड बाय वेरियस मेटल फ्लोराइड। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दिस स्ट्रक्चर इज adopted by various metal fluorides, for example CaF2, HgF2, PbF2, SrF2, यानी कैल्शियम फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, लेड फ्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड। तो ये जितने भी मेटल फ्लोराइड्स होते हैं जिनका जो रेशियो होता है 1:2 होता है स्टॉइकोमेट्रिक रेशियो, वो सब इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खास बात है? देखिए यहां पर खास बात यह आ रही है कि इन सभी में जो एनायन है वो F- है। ठीक है, ये सारे जो मेटल फ्लोराइड्स हैं दे कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल फ्लोराइड आयंस। देखिए फ्लोराइड आयन स्मॉल नहीं बल्कि एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है पीरियाडिक टेबल। आप सब जानते हैं डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करती है, तो एफ तो सेकेंड पीरियड में यानी ऊपर है तो छोटा हुआ, और लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज करती है, और एफ किस ग्रुप में है? ग्रुप 17 में है, यानी जो लास्ट वाला ग्रुप है 18 उससे जस्ट पहले वाला। तो ये जो एफ है फ्लोरीन, एक तो ऊपर है, ऊपर से पीरियडिक टेबल में सबसे राइट हैंड साइड पे है, तो इस वजह से इसकी रेडियस बहुत कम होती है। एक वजह और है, इसमें डी ऑर्बिटल भी नहीं होता है क्योंकि सेकेंड शेल में डी सबशेल की अब्सेंस होती है। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल ना होना, पीरियाडिक टेबल में काफी राइट हैंड साइड पे होना, ग्रुप में ऊपर होना, इसको एक्सट्रीमली स्मॉल बनाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जो एनायंस होते हैं दे आर जनरली बिगर देन मोस्ट ऑफ द कैटायंस, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है और वो है फ्लोराइड आयन। ये एनायन होने के बावजूद भी बड़ा नहीं बल्कि छोटा होता है एज कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द कैटायन। जैसे कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन में अगर कंपेयर करेंगे तो फ्लोराइड आयन की रेडियस कम होती है और कैल्शियम आयन की रेडियस ज्यादा होती है। तो यहां पे चीजें थोड़ी सी पलट जाएंगी, क्लोज पैकिंग अब एनायन नहीं बल्कि कैटायन करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था, इस तरह से आप याद करिए कि बिगर आयंस की क्लोज पैकिंग होती है और स्मॉलर आयंस वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। तो यहां पे क्योंकि स्मॉलर आयन एनायन है तो ये जाएगा वॉइड में, और बिगर आयन कैटायन है, इसकी क्लोज पैकिंग होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इंप्लाइज दैट इन फ्लोराइड स्ट्रक्चर फ्लोराइड आयंस ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन क्यूबिक क्लोज पैक्ड यानी FCC लैटिस ऑफ मेटल कैटायन। अब बच्चों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स ही क्यों? तो मैंने बताया कि जो F- है वो बहुत छोटा आयन होता है, तो इस वजह से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ना जाके टेट्राहेड्रल वॉइड में जाना पसंद करता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस कम होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस ज्यादा होती है। तो जो बड़ा वॉइड है उसमें छोटा आयन क्यों जाएगा? छोटा आयन है तो छोटे आयन छोटे वॉइड को ही ऑक्यूपाई करेगा, इसी से स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई नहीं होते,
बल्कि टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होते हैं। अब फिर से सवाल उठता है कि कितने परसेंट टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होंगे, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहां पे 100% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होते हैं। अब फिर से वही बात, वाई 100% टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि बेटा फॉर्मूला CaF2 है, यानी स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1:2 आना चाहिए। अब FCC लैटिस फॉर्म करेंगे कैल्शियम आयन, तो कैल्शियम आयन आएंगे 4, तो फ्लोराइड आयन आने चाहिए 8, और 8 फ्लोराइड आयन तभी आएंगे जब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड को F- ऑक्यूपाई करेगा, इसीलिए यहां पे 100% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होते हैं। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि वो क्रिस्टल बताओ जिसमें 100% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होते हैं, तो आंसर है CaF2 यानी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां पे निकालेंगे डेंसिटी का फॉर्मूला, और डेंसिटी का फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हम लोग नंबर ऑफ कैल्शियम आयन और फ्लोराइड आयन पर यूनिट सेल निकालेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ कैल्शियम आयन्स पर यूनिट सेल ये आएंगे 4, क्योंकि यहां पे कैल्शियम आयन्स की FCC लैटिस फॉर्म हो रही है, और नंबर ऑफ फ्लोराइड आयन्स पर यूनिट सेल ये आएंगे 8, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्योंकि यहां पे 100% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो फ्लोराइड आयन 8 आएंगे पर यूनिट सेल। तो क्या रेशियो आया दोनों के बीच में, 1:2, तो फॉर्मूला भी हमारा इसीलिए CaF2 हो रहा है। तो चलिए, तो बताइए कितनी फॉर्मूला यूनिट्स आई, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaF2 पर यूनिट सेल 4 या 8, सोचिए, क्योंकि 4 कैल्शियम आयन है और 8 फ्लोराइड आयन है, तो इसका मतलब जो CaF2 की फॉर्मूला यूनिट्स होंगी वो 4 आएंगी। तो यहां भी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो वही आएगा जो जेडेनेस और NaCl के केस में आया था, और वो आएगा रो इक्वल टू 4m अपॉन NaA³। ठीक है, तो NaCl, जेडेनेस और CF2 इन तीनों की डेंसिटी का फॉर्मूला सेम है, बस फर्क है M का, यानी मोलर मास का। NaCl का मोलर मास 58.5 होता है, जेडेनस का आप निकाल सकते हैं, CF2 का भी आप निकाल सकते हैं, कैल्शियम का 40 होता है, F का 19 होता है, तो 19 × 38 + 40 तो ये आ जाएगा 78। तो बस मोलर मास का फर्क आ रहा है, बाकी डेंसिटी का पूरा फॉर्मूला सेम है। हाँ, एज लेंथ भी डिफर करेगी, क्योंकि हर क्रिस्टल की अपनी अपनी एज लेंथ होती है यूनिट सेल की, और एज लेंथ को निकालने के लिए हमें वही करना पड़ेगा, इंटर आयनिक डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो आप लोग सोचिए यहां पे इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या आएगी, अगर हम इसकी यूनिट सेल बनाएं तो यहां पे, क्योंकि कैल्शियम आयन ने FCC लैटिस फॉर्म की है, तो कैल्शियम आयन होगा कॉर्नर पे, ठीक है, और F माइनस क्या हो, कहां होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड पे, और टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन मैंने क्या बताई थी, बॉडी डायगनल पे होता है और कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे होता है। तो इस वजह से यहां पे भी इंटर आयनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला वही आएगा जो आपने जेडेनएस में देखा था, RCa2+RF- = √3a/4, राइट। तो चलिए ये भाई इंटर आयनिक डिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Ca2+ और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ F-, यहां पे F- का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि F- ने टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई किया, और टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से सराउंडेड होता है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4 होगा। अब इसका जो काउंटर आयन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने की एक बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, वो ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इज द रेसिप्रोकल ऑफ मोल रेशियो, ये आप ध्यान रखिएगा।
तो देखिए मोल रेशियो क्या है, 1:2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो उसका रेसिप्रोकल होगा यानी 2:1, और 2:1 कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो तब आएगा जब कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, मोल रेशियो 1:2 है फॉर्मूले से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो 2:1 होगा। अब 2:1 कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो तब आएगा जब F- का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो फिर कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होना चाहिए, राइट। इसीलिए फ्लोराइड स्ट्रक्चर को, इसीलिए फ्लोराइड स्ट्रक्चर को हम 8:4 कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। ये आप अच्छे से ध्यान रख लीजिए, इस पे क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन 8:4 कोऑर्डिनेशन होता है, तो आंसर है फ्लोराइड स्ट्रक्चर 8:4 कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये था बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, जिसे हम फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे कैटाइन नहीं बल्कि एनाइन टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि एफ माइनस एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल वॉइड भी यहां पे 100% ऑक्यूपाई होते हैं, ये भी ध्यान रखता है। अब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ेंगे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो देखिए ये जो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर का अपोजिट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दिस स्ट्रक्चर इज रिवर्स ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अब देखिए रिवर्स ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, अभी आपने फ्लोराइड स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसमें आपने देखा था कि जो F- है एनायन होने के बावजूद काफी छोटा होता है और इसी वजह से उसने वॉइड ऑक्यूपाई किया था, ठीक है। तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, ये जो केस है ये नॉर्मल केस है, यहां पे एनायन नहीं बल्कि कैटायन छोटा होता है, तो फिर जो वॉइड ऑक्यूपाई किया जाएगा वो कैटायन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो हेंस हियर 100% टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय कैटायन्स इन एफसीसी लैटिस ऑफ एनायन्स, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये तीनों एल्कली मेटल ऑक्साइड्स हैं, सोडियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फाइड एटसेट्रा। यानी हम ये ध्यान रख सकते हैं कि एल्कली मेटल ऑक्साइड्स और एल्कली मेटल सल्फाइड्स ये जो है फॉलो करते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आ रहे हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, तो आप देख रहे हैं कि एल्कली मेटल ऑक्साइड और एल्कली मेटल सल्फाइड इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे एक बात तो क्लियर हो गई कि जो लोकेशन होगी, जैसे हम सोडियम सल्फाइड लें तो जो Na+ की लोकेशन होगी वो होगी 100% टेट्राहेड्रल वॉइड, और आप सब जानते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे पाया जाता है विद डिस्टेंस √3a/4, ठीक है। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि 100% टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों ऑक्यूपाई हो रहे हैं, तो वो फॉर्मूले की वजह से हो रहे हैं। अगर हम लोग यहां पे ऑक्साइड आयन देखें तो एफसीसी लैटिस की वजह से ईच कॉर्नर एंड फेस सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल ये आएंगे 4। तो अब फॉर्मूला Na2O कैसे आएगा, अब फॉर्मूला Na2O तभी तो आएगा जब स्टॉइकोमेट्रिक रेशियो 2:1 हो। तो अगर ऑक्साइड आयन 4 है तो सोडियम आयन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, और 8 सोडियम आयन तभी होंगे जब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई होंगे, राइट। तो इस वजह से
यहां पे जो नंबर ऑफ सोडियम आयंस होंगे पर यूनिट सेल वो होंगे 8। ठीक है, अब बताइए फॉर्मूला यूनिट्स कितनी आएंगी। 8 सोडियम आयन है, 4 ऑक्साइड आयन है और फॉर्मूला है Na2O, तो जो फॉर्मूला यूनिट्स आएंगी वो 4 ही आएंगी। ठीक है, और डेंसिटी का भी वही फॉर्मूला आएगा जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में आया था, 4m/NaA³। तो मैं उसको यहां पे नहीं लिख रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा कि एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, NaCl और ZnS, इन चारों में डेंसिटी का एक ही फॉर्मूला है, 4m/NaA³। खाली CsCl में डेंसिटी का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उसमें एन की वैल्यू 4 की बजाय 1 होती है, तो CsCl की डेंसिटी होती है 1m/NaA³। ठीक है, तो डेंसिटी का भी फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे बहुत आसान है, Na+ ने टेट्राहेड्रल बॉन्ड को ऑक्युपाई किया है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे होगा 4 और ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर, सोचिए, तो मैंने अभी आपको एक ट्रिक बताई थी, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इज द रेसिप्रोकल ऑफ मोल रेशियो। मोल रेशियो यहां पे कितना है Na2O में, 2:1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो होना चाहिए 1:2। तो अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का है तो ऑक्साइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, इसीलिए एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज ऑफन कॉल्ड एज 4:8 कोऑर्डिनेशन। तो ये बात ध्यान रखने वाली हो गई कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है 8:4 कोऑर्डिनेशन और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है 4:8 कोऑर्डिनेशन, राइट। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे इंटर आयनिक डिस्टेंस। तो देखिए इंटर आयनिक डिस्टेंस का भी कोई फॉर्मूला अलग नहीं आएगा क्योंकि यहां पे भी टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्युपाई हो रहे हैं, तो यहां भी इंटर आयनिक डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा, जैसे अगर हम Na2O का एग्जांपल लें तो RNa+ + RO₂-, ये जो इंटर आयनिक डिस्टेंस आएगी √3a/4 आएगी, तो सेम फॉर्मूला आ रहा है इंटर आयनिक डिस्टेंस का। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने बच्चों देखा कि जो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर होता है इसको वेरियस मेटल ऑक्साइड, एल्कली मेटल ऑक्साइड और एल्कली मेटल सल्फाइड एडॉप्ट करते हैं और ये स्ट्रक्चर फ्लोराइड स्ट्रक्चर का अपोजिट होता है। कहने का मतलब फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जहां एनायन है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में वहीं पे कैटायन चला जाएगा और जहां फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैटायन है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में वहीं पे एनायन चला जाएगा। ठीक है, लोकेशन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्युपाई करेगा और टेट्राहेड्रल वॉइड होता है बॉडी डायगोनल पे कॉर्नर से √3a/4 डिस्टेंस पे। ठीक है, और जो एनायन है वो FCC लैटिस फॉर्म करेंगे, यानी ईच कॉर्नर एंड ईच फेस सेंटर ऑक्युपाई करेंगे। फॉर्मूला यूनिट्स यहां भी 4 आएंगी, डेंसिटी का फॉर्मूला यहां भी वही होगा जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में था, 4m/NaA³, जहां पे m होगा मोलर मास ऑफ Na2O। हां, कोऑर्डिनेशन नंबर इंपॉर्टेंट है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में 8:4 कोऑर्डिनेशन था, यानी कैटायन का 8 कोऑर्डिनेशन नंबर था और एनायन का 4 था, यहां पे उल्टा है, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, इसीलिए इसको 4:8 कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म कर दिया जिसका नाम था स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए।